सीतापुर से एक बड़ी खबर आ रही है कि स्कूल जाते समय छात्रा को बस से जबरन उतरवाकर दबंग फौजी ने अगवा किया। अगवा छात्र के साथ रेप का आरोपी लगा हुआ है। 10 दिन से छात्रा स्कूल नहीं जा पा रही है। पीड़ित परिवार घर में कैद रहने को मजबूर है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कोई शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने शिकायत करने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जिसमें बेलगाम बेखौफ आरोपी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। बड़ी खबर सीतापुर से, स्कूल जाते समय छात्रा को बस से जबरन उतरवाकर दबंग फौजी ने अगवा किया और अगवा छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है। मैं सिधाली अमरनाथ इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जब हम प्राइवेट बस से जाते हैं, स्कूल वाली बस से, तो उस दिन मेरी बस छूट गई थी। तो मैं रोडवेज से जा रही थी, तो विश्वा चौराहे पर जब हम उतरे, तो वो सत्येंद्र नाम का लड़का, मेरे गांव का ही रहता है, वो मेरे आगे गाड़ी लगाया और बोला कि तुम मेरे गाड़ी पे बैठो और चलो, तो तुमको मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मगर हमने उससे कहा कि नहीं, हम आपकी गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हम पैदल चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, हम छोड़ देंगे। हमने सोचा कि गांव का आदमी है तो छोड़ देगा। हम बैठ गए। जब वो मेरे स्कूल की तरफ जा रहा था, तो वो मेरे स्कूल की तरफ ना होकर वो दूसरी रास्ते पर गया। तो हमने उससे कहा कि ये मेरा स्कूल इधर नहीं है, उधर चलो। तो उसने कहा चुपचाप बैठी रहो, वरना तुमको गोली से मार देंगे और तुम्हारे परिवार वालों को भी मार देंगे। अगर तुमने किसी से शोर मचाया तो हम तुमको अभी मार डालेंगे। फिर हम डर के मारे चुपचाप बैठे रहे और हमें लखनऊ लेके चला गया। वहाँ हमें 5 बजे छोड़ा। वो इतनी गलत बलात्कार किया है कि किसी के सामने बताने वाला नहीं है।